से तीन डाला था और मटर डाला। उसके बाद दो से तीन ऑनियन कट करके रखा हुआ था और कट करके रख दिया था मैं, और दो से तीन ऑनियन डालेंगे और इसमें डाल दिया है, और दो से तीन टमाटर कट हुआ कट करके रखा हुआ था और टमाटर भी डाल देंगे इसमें, और इसमें चलिए अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, धनिया का पेस्ट डाल देंगे इसमें, और इसमें और मैं हरी मिर्ची का पेस्ट पीस के रख दिया था, और स्वाद के अनुसार आप टेस्ट ज़्यादा खा सकते हैं तो टेस्ट थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं। और हल्दी डालेंगे का 1/2 टीस्पून, इसको पानी डालेंगे इसमें, पानी डालेंगे थोड़ा क्योंकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, मिक्स करके और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे, इसको 3 से 4 सीटी पे रख देंगे हम। 3 से 4 सीटी हो चुके हैं हमारे, देखेंगे चलिए कैसा बना हुआ है हमारे पल्ले। वाह, दिखने में तो अच्छा दिख रहा है, खाने में बहुत खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी, चले देखेंगे हम कैसा बना हुआ है हमारा पल्ले। फर्स्ट आलू को देखेंगे हम, वाओ ये भी मस्त बन चुका है। चलिए मटर को देखेंगे, चलिए ये भी परफेक्ट हो चुका है, पूरी तरह से हमारा पल्ले रेडी हो चुका है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चिकन मसाला 2 स्पून डालेंगे, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, और हम 2 स्पून डालेंगे इसमें चिकन मसाला, और काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे इसमें थोड़ा, आप तेज़ खाना चाहते हैं तीखा खाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हरिया धनिया डालेंगे हम, चलिए एक पैन ले लिया है, हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए पैन ले लिया है, 3 से 4 स्पून तेल डाला है, ये हमारे घर में सभी का फेवरेट नाश्ता है, सभी को मन पसंद नाश्ता है, मेरा भी बहुत फेवरेट है नाश्ता है, आप भी बनाइए ज़रूर। इसमें राई डालिए 1 टीस्पून, और करी पत्ता डालिए, इसके बाद कलाई डाल दीजिए पल्ले। चलिए हमारा तो वाओ रेडी हो चुका है तड़के के साथ मस्त, वाओ इसकी तो रेसिपी हो चुकी है। अब पूरी बनाने के लिए चलते हैं, आटा मिला के रख दिया था, गून के हम आटा गून के रख चुका था, और छोटे और बड़े इतना छोटा भी नहीं इतना बड़ा भी नहीं, हम इसको बेल लेंगे अच्छी तरह से, ऐसा होना चाहिए, परफेक्ट हो चुका है। एक कढ़ाई लिया था, ऑयल हीट कर के रख दिया था मैं, और एक पूरी डालेंगे, और कितनी अच्छी फूल रही है हमारी पूरी, इतना गोल्डन भी नहीं इतना वाइट भी नहीं, ऐसा होना चाहिए, परफेक्ट बन चुकी है ये पूरी। सारे पूरी इसी तरह तल लेंगे, हमारे घर में सभी का फेवरेट नाश्ता है ये, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइबर्स कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा था नाश्ता बोल के। चलिए मैं भी आपको ये दिखा, पूरी का रेसिपी भी हो चुका है, चलिए ये परफेक्ट बन चुका है, चलिए टेस्ट करके मैं भी बताती हूँ आप लोगों को। पूरी ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ये रेसिपी रेडी हो चुकी है पूरी तरह से हमारी पूरी और पल्ले की, और मैं दिखाना चाहती हूँ, और मैं भी टेस्ट करके बता रही हूँ आपको कैसा बना था पूरी और पल्ले बोल के। चलिए फ्रेंड्स टेस्ट कर रही हूँ मैं भी, आप भी ज़रूर टेस्ट करिए बनाइए, और ज़रूर सब्सक्राइबर्स कीजिए, ज़रूर
कमेंट में बनाई कैसा बना था नाश्ता। वाओ मेरा तो सुपर। चलिए घर वालों को पूछते हैं कि नाश्ता कैसा हुआ बना था बोल के, इनके तरफ से क्या आता है। वाओ बोल रहे हैं ये भी। और चलिए इनको पूछते हैं कि कैसा हुआ बना था ना पूरी और पल्ले। और इनके तरफ से भी थम आ चुका है, इन्हों भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। वाओ इन्हों भी बहुत अच्छा बना था बोल के बता रहे हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, सब्सक्राइबर्स कीजिए, कमेंट में बनाइए, बताइए कि नाश्ता कैसा बना था आपका। मेरा तो फुल परफेक्ट बन चुका था।